सो T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तानियों की जीत से खुश होकर कश्मीर में कई जगह लोग नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। जशरीनगर के शेर ए कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तो वीडियो भी आई थी, जिसके कारण कश्मीर पुलिस ने मामले को UPA के तहत दर्ज भी कर लिया है। इसके कारण नाराज लोगों ने अब सोशल मीडिया पर गैर कश्मीरियों को निशाना बनाना भी शुरू कर दिया है। साथ ही इसी मेडिकल कॉलेज की एक स्टूडेंट जिसका नाम है अनन्या जामवाल की फोटो शेयर कर उसे पुलिस मुखबिर बता रहे हैं और जान से मारने की उसे धमकियां भी मिलनी शुरू हो गई है। और अनन्या कौन? अनन्या वो जिसने देशद्रोही नारे लगाने वालों का विरोध जताया था। नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं DNP इंडिया पे। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल DNP इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोस लाइक ऑल द वीडियोस दैट यू लाइक एंड लव उन्हें भी प्लीज जल्दी जल्दी शेयर करें, थैंक यू। जहां स्टूडेंट अनन्या जामवाल ने बताया है कि मेडिकल कॉलेज में लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और उन्हें केवल इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उसने उनके खिलाफ आवाज उठाई जो देशद्रोही नारे लगा रहे थे। जानना ने आगे बताया है कि स्किम्स के 9 लोकल स्टूडेंट की तरफ से उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि अगर उन्होंने अपनी आवाज उठाई तो वो सेफ नहीं रहेंगी और उनके करियर पर भी सवाल उठेगा, जो उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने को भी कहा जा रहा है। और अनन्या ने आगे बताया है कि उनकी आवाज उठाने से कैसे भारत के ही लोग जो कश्मीर में पढ़ रहे हैं, जो कश्मीर में ही रहते हैं, बाहर से कश्मीर से पढ़ने आए हैं, उनके करियर पर सवाल उठेंगे। सो अनन्या ने बताया है कि ट्विटर हैंडल जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है उसकी तरफ से उनकी एक फोटो शेयर की गई है और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। जहां अनन्या ने सवाल पूछते हुए कहा है कि अगर देश के लिए आवाज उठाना और जान से मरने की धमकी सहना क्या जायज है। वीडियो के बारे में अनन्या ने कहा है कि जब उन्होंने वो वीडियो देखा तो वो खुद इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि भारत के मेडिकल कॉलेज में कोई लोगों का समूह ऐसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा सकते हैं, कैसे वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर सकते हैं। वो खुद भारत की रहने वाली हैं और इस बात पर उन्हें गर्व है। जहां अनन्या ने मांग की है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि अगर अभी इनकी आवाज़ नहीं दबाई तो आने वाले समय में भी ऐसे ही हमारी आवाज़ दबाई जाएगी और ये लोग सरकार के पैसे से MBBS की डिग्री हासिल करके मजे लेंगे। जानना ने बताया है कि वो खुद इस कॉलेज का हिस्सा रह चुकी हैं। जो उन्होंने कहा है कि लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ही केस दर्ज कराया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जब वीडियो वायरल हुआ था तो उसके बाद खुद एजेंसियों की तरफ से एक्शन लिया गया था और वीडियो देखकर लोगों की पहचान की गई थी और उसके बाद ही केस दर्ज किया गया था। अनन्या ने साफ किया है कि उनका वीडियो, FIR और उन लोगों की पहचान जाहिर करने का कोई भी लेन देन नहीं है। वेल नॉट ओनली दैट, इस केस में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जम्मू कश्मीर सक्रिय भी हो गया है, जिसे लश्कर का ही एक समूह बताया गया है और पिछले दिनों जो गैर कश्मीरियों को मारने में भी आगे था। चाहे इस समूह ने 26 अक्टूबर यानी 26 अक्टूबर को बयान भी जारी करके कहा था कि उन्हें खबर मिल गई है कि इन FIR के पीछे किसका हाथ है और गैर स्थानीय कर्मचारी और छात्रों को चेतावनी भी दी जाती है कि वो ऐसी गतिविधियों में शामिल ना हो। वेल गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने पर दिस गर्ल अनन्या इज रिसीविंग डेथ थ्रेट्स, उन्हें धमकियां मिल रही है। इज इट रियली फेयर? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू DNP इंडिया। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कीप लविंग अस, कीप शावरिंग योर लव एंड कीप वॉचिंग DNP इंडिया।